हेलो एवरीवन, इंग्लिश रो बेस्ट बुक विषय में कथा हवा ओ डबल एस सी एंड ओ ट्रिपल एस सी रो एग्जामिनेशन पाई। जदि आपनकर बेसिक कांसेप्ट रे क्लियर नाही, जदि बेसिक कांसेप्ट को क्लियर करिया पई चाहूचंदी, देन केउ बुक को फॉलो करि परिवे। देखंतु मार्केट रे बहुत सारा बुक अछि, आपन चाहिले जे कोनोसी भी बुक रु पढि परिवे, किंतु इन माय ओपिनियन आपन जदि आपनकर बेसिक कांसेप्ट को स्ट्रांग करिया पई चाहूचंदी, ताहाले दुईटी बुक को फॉलो करि परिवे। ये दुईटी बुक होची आपणकर क्लास 9 एंड क्लास 10 रो इंग्लिश ग्रामर रो बुक। हाँ, क्लास 9 एंड क्लास 10 रो इंग्लिश ग्रामर रो बुक। मुझे कहूँ ये कथा बिकज ऑलरेडी आपण जिते आप क्लास 9 रे थिले एंड क्लास 10 रे थिले ये दुईटी बुक को पढ़ी, एंड जिते पुणी थे पढ़े ना, देन आपण से क्लियरिटी आसीज। से आप क्लास 9 रो इंग्लिश ग्रामर लर्न एंड प्रैक्टिस ग्रामर क्लास 9 एंड लर्न एंड प्रैक्टिस ग्रामर क्लास 10 को जिते आप भल भाव दुईटा बुक को पढ़ी सारीदे, देन आपण से भय रही। ठीक अच्छे, ओ डबल एस सी एग्जामिनेशन हो किंबा ओ ट्रिपल एस सी एग्जामिनेशन हो, ओडिशा लेवल रो जे कोनो सी एग्जामिनेशन पाई आपण पूरा प्रस्तुत हो पारे। मुझे कहूँ बिकज आपण जो जिनसा पढ़ी से जिनसा पुणी थे पढ़ले से रिविजन हम एवं आपण इजी हम। ओके, एंड यही दुईटा बुक को प्रथम भल भाव पढ़ु, एंड पढ़ी सारे ही मार्केट आज जहाँ सब बुक अच्छे फलो करें, किसी असुविधा नहीं, क्वेश्चन प्राक्ट करेंगे, कि बेसिक कनसेप्ट दुईटा बुक को प्राक्ट करूँ एंड भल भाव पढ़ु। देखु ए कौन कौन सब सिलेबस रही, क्लास 9 रो इंग्लिश ग्रामर रे जहाँ आम लर्न एंड प्रैक्टिस ग्रामर रही, प्रथम रही पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। आपणकर सेंटेंस ऊपर जदि किसी क्लैरिटी ना, देन क्लैरिटी आसीज पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस को जाणीजे, वर्ब्स को भल भाव बुझीजे, टाइम एंड टेन्स पूरा डिटेल कनसेप्ट रही, ऑक्सिलरीज जहाँ को आम हेल्पिंग वर्ब कहते, हेल्पिंग वर्ब विषय आप आईडिया आसीज, नाउन फ्रेज ओडिशा लेवल रे एग्जामिनेशन रे नाउन फ्रेज सब गोटे वाइटल रोल प्ले करे, ए नाउन फ्रेज को बुझीपारे। नेक्स्ट अच्छे आपणकर प्री एंड पोस्ट मॉडिफायर्स इन द नाउन फ्रेज, मॉडिफायर्स जहाँ को आम एडजेक्टिव कहते, से एडजेक्टिव को बुझीपारे, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल्स कनसेप्ट को जापरेंगे, डिटरमाइनर्स आर्टिकल जहाँ को कह जाए, एंड डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव आसी जाए, ए एन डी प्रॉपर यूजेस आपण जापरेंगे, एडजेक्टिव्स को जापरेंगे, एडवर्ब्स एंड एडवर्बियल्स विषय जानपारे, यार टाइम प्लेस एंड सेंस को नहीं पूरा डिटेल्स कहुई, नेगेटिव्स एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस जानपारे, प्रेडिकेटिव फ्रेज कौन दैट इज अल्सो जानपारे। तो यह हूँ कौन पूरा क्लास 9 रो सिलेबस। देन क्लास 10 रे इंग्लिश ग्रामर रे जहाँ आप क्लास 9 रे पढ़ी टेन्स को ता पुणी रिवाइज मीन्स टेन्स रो एडवांस वर्जन एथिरे दिया जाइछि, जितेबाला आपण एटा पढ़ीजे आपण कम्प्रेहेन्सीव पेसेस गुड़ाक आराम से बुझीपारे, एवं टाइप ऑफ सेंटेंस को बुझीपारे, खास करी ओ डबल एस सी एंड ओ ट्रिपल एस सी रो एग्जामिनेशन रे टाइप्स ऑफ सेंटेंस रु क्वेश्चंस आसुछि, सब्जेक्ट एंड वर्ब रो एग्रीमेंट को बुझीपारे, नॉन फाइनाइट वर्ब जहाँ ओ डबल एस सी रे मुख्यतः अधिकांश आसे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को बुझीपारे, प्रेपोजिशन सबुठारु इंपोर्टेंट क्लास 10 रो बुक रे पूरा प्रेपोजिशन को बढ़िया भाव में दि जाइए, आपण चाहिए पढ़ीपारे बुझीपारे। यह सहित तो फ्रेजल वर्ब जहाँ ओ ट्रिपल एस सी एग्जामिनेशन रे बहुत आसे, जमी आर आई ए आर आई अमीन, ओके ये सब एग्जामिनेशन रे फ्रेजल वर्ब भी क्वेश्चन आसे, नाउन क्लोज एंड रिलेटिव क्लोज कौन जानपारे, एडवर्ब क्लोज विषय अच्छी, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉइस को नहीं प्रॉपर कांसेप्ट अच्छी। दैट्स व्हाई जदि आपणकर बेसिक कांसेप्ट रे क्लैरिटी ना, देन क्लास 9 एंड क्लास 10 रो बुक को फॉलो करें, एंड यह सहित आपत चाहिए मार्केट जहाँ भी बुक रही बुक को फॉलो करें। आपन को जहाँ भी शेयर करे बेस्ट करी क्लास 9 एंड क्लास 10 रो कांसेप्ट को लेकर ही मुझक शेयर करे, आपत चाहिए वीडियो माध्यम देखिपारे। ठीक अच्छे, दैट्स व्वे जदि आपण को इंग्लीश गोटे भल कमांड आनवर अच्छी, तो यही दुईटा बुक को डेफिनेटली फॉलो करूँ, दैट इज माय सजेशन। ओके, आई होप यही इनफर्मेसन टी आप बहुत यूजफुल र। Thanks for watching this video.